हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे फॉर्मूला से। तो हमारा पहला जो है वो रोज को किसी रो में स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि रिपीट क्लास। अब जहाँ जहाँ भी रिपीट क्लास ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। तो मैं इस को सारे कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ, होम पे गई, न्यू रूल, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है यू से फॉर्मूला, तो हम यू से फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। इस इक्वल्स टू, अब मेरा फॉर्मूला रहेगा सर्च। आप सर्च की जगह फाइंड भी ले सकते हैं, पर फाइंड थोड़ा केस सेंसिटिव है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लेके। और मेरा जो टेक्स्ट है मैं ये ले रही हूँ रिपीट क्लास। तो जहाँ जहाँ रिपीट क्लास लिखा हूँ और डॉलर आई मेरा कॉलम है, तो इस कॉलम में जहाँ जहाँ रिपीट क्लास लिखा हूँ वो हाईलाइट हो जाएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ डॉलर आई वन ले रही हूँ। क्यों डॉलर आई वन, जबकि मेरा डेटा फोर्थ रो से शुरू हो रहा है, तब भी यहाँ पे डॉलर आई वन से हम सर्च कराना शुरू करेंगे। और इस ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ, फॉर्मेट लेती हूँ मैं, आप रेड कलर, फॉन्ट ले लेते हैं बोल्ड और वाइट कलर, ओके करते हैं। और ओके, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी रिपीट क्लास लिखा है वो सारी रोज हाईलाइट हो गई हैं, राइट। तो ये था हाईलाइटिंग रो ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो मैं अब हम सेकंड है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मतलब है कि टाइटल ले लेते हैं यहाँ पे कैप्स में टाइटल, और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं ग्रेड्स, राइट। मैं अभी बताती हूँ, यहाँ पे टाइटल ग्रेड्स ले लिया। अब ये मेरा सेल जो है L3 है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ डॉलर थ्री, और ऐसे ही इसको कॉपी कर रही हूँ। ये जो है डॉलर एल कॉलम फोर्थ रो, राइट। तो जो भी इस सेल में होगा वो इस कॉलम से हाईलाइट हो। कैसे मैं करके दिखाती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ जिससे कि टाइम सेव हो जाए, और इस पूरे को सेलेक्ट कर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। होम पे जाती हूँ, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डॉलर L4 किसके इक्वल हो, ये डॉलर L4 डॉलर I1। यहाँ पे मेरा कॉलम फिक्स है तो डॉलर लगा के फिक्स कर देती हूँ मैं कि इसी कॉलम में मूव करें। I1 इज इक्वल्स टू राइट, और इसको ब्रैकेट में लेते हैं, फॉर्मेट का कलर दिखा ले लेते हैं कुछ, फिल रेड कलर, ओके करती हूँ मैं, ओके। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लेती हूँ, सपोज ए, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे मैंने यहाँ ए लिखा है वो सारा हाईलाइट हो गया, राइट। तो
ये तो ग्रेट हुआ, लेकिन हमारा जो है वो इंटरसेक्शन का है। अगर मैं यहाँ पे पूरा सेल सेलेक्ट करती, इसको मैं यहाँ ऐसे लेती हूँ, पहले इसको प्रीवियस को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, दोबारा लेके देखते हैं। मैं आपकी बार पूरी उस पे लगाती हूँ। होम पे गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़ फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डॉलर आई वन इज इक्वल्स टू डॉलर एल डॉलर फोर। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट करती हूँ, रेड कलर फॉन्ट ले लेती हूँ, बोल्ड वाइट, ओके किया। तो अब की बार पूरी रो, डॉलर आई वन लेंगे इधर, राइट, और ओके किया। तो ये देखेंगे पूरी रो हाईलाइट होगी। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ, रिपीट क्लास, तो देखते हैं क्या देता है ये मुझे। तो जहाँ जहाँ पे रिपीट क्लास लिखा है वो हाईलाइट हो गया। अब बात ये है कि ये जो मेरा टॉपिक है इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन के लिए मुझे कॉलम भी हाईलाइट करना है साइमल्टेनियसली। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ, होम पे जाएंगे अब की बार, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स पे जाएंगे, डबल क्लिक करती हूँ यहाँ। अब की बार और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं इसको अब की बार मैं रो, हमने रो हाईलाइट की है, कॉलम से कॉलम फिक्स किया था, अब की बार रो फिक्स करते हैं। रो कैसे फिक्स करूँगी, टाइटल को हम देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा डॉलर एल डॉलर थ्री कॉमा, अब डॉलर एल डॉलर थ्री हमारा कौन सा ये सेल है जहाँ पे ये टाइटल है। तो इस सेल में मैं कुछ भी लिखूँ, एंटर करूँ, वो इस टाइटल के बराबर मैच करेगा और इंटरसेक्ट करके दिखाएगा। करके दिखाती हूँ, डॉलर थ्री इज इक्वल्स टू, इस पर हमारी रो फिक्स होगी, टाइटल जो है हमारा रो थ्री पे है, राइट, शिफ्ट ए डॉलर थ्री, और इस लॉजिकल और ऑपरेटर को बंद किया। तो मैं ये फॉर्मूला कॉपी कर देती हूँ और इसका फॉर्मेट सेम रहेगा, ओके किया, ओके, मिसिंग पेरेंथिसिस, अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा पेरेंथिस है, तो ये कॉपी किया फॉर्मूला, ओके किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लेते हैं टाइटल, जैसे कि मैं ले लेती हूँ रिपीट क्लास का, मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखती हूँ, तो यहाँ मैं इंग्लिश ले रही हूँ, एंटर करती हूँ, तो देखिए हाईलाइट हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, जिससे कि पढ़ने में समझने में आसानी हो, राइट। और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, और पे जाके, सॉरी, डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट लेंगे, और जो हमारा है ये रेंज है टाइटल की, ओके किया। अब देखिए
साइंस के मार्क्स देखती हूँ रिपीट क्लास स्टूडेंट्स के, उनकी परसेंटेज देखना चाहूँ मैं रिपीट क्लास बच्चों के, यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ डी ग्रेड स्टूडेंट्स का नाम परसेंटेज, तो अब आप देखेंगे डी और एच हाईलाइट हो रहे हैं। अब मैं इनका मैथ्स के सब्जेक्ट के नंबर देखती हूँ और ओवरऑल स्टेटस क्या है डी ग्रेड स्टूडेंट्स का, हाईलाइट किया, राइट। तो आप ऐसे इंटरसेक्शन पे काम कर सकते हैं। अब हमारा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लिस्ट में कुछ भी डालूँ मैं यहाँ पे ए बी ग्रेड के स्टूडेंट्स, वो सारे हाईलाइट हो जाएं। तो मैं इस लिस्ट में कुछ भी लिखती जाऊँगी वो यहाँ मेरे डेटाबेस पे यानी इस टेबल में वो हाईलाइट होता जाएगी एंट्री। अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ बताती हूँ मैं। तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक, हाईलाइट द टेक्स्ट एंट्रिंग इन अवर लिस्ट। जो जो मैं एंटर करती जाऊँगी वो हाईलाइट होता जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले हमने सीखा था फाइंड फॉर्मूला लगाना अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो रिवीजन करवाती हूँ पहले। रिवीजन कैसे, यहाँ पे सपोज मैं ये वर्ड फाइंड करना चाहती हूँ ग्रेड्स, तो टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं और विद इन टेक्स्ट तो मैं यहाँ पे सपोज इस डी लेटर को फाइंड करवाना चाहती हूँ, ये डी है और कौन से टेक्स्ट में से, इस टेक्स्ट में से I3, तो मैं सेल का नाम मेंशन कर देती डॉलर आई थ्री, बंद किया तो देखते हैं ये डी क्या करता है। फोर्थ, तो बिल्कुल ये जो डी है वो फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 4, तो फाइंड करके देता है कि ये लेटर कहाँ पे है। ऐसे ही अब चलते हैं इसमें हम फाइंड पे लगा देते हैं इस नंबर लगाते हैं। अब इस नंबर क्या करता है मैं अलग से लग करके दिखाती हूँ, इस इक्वल्स टू इस नंबर टैप वैल्यू, अगर इसके अंदर वैल्यू होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स, $I3, देखते हैं क्या देता है। फॉल्स इसलिए कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे F4 ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे F4 करते हैं तो देखते हैं F4 ट्रू, क्यों, क्योंकि F4 पे 85 नंबर मेंशन है तो ट्रू हो गया। तो इस नंबर अगर वैल्यू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। तो अब इसमें हम कैसे काम करते हैं, अब की बार हम इस डी की जगह एक चीज और बता देती हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं इस नंबर के सामने, हमने अभी ट्रू फॉल्स देखा है राइट, इस ट्रू फॉल्स को मैं 0-1 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे यूनरी नंबर बोले तो हाइफन, डबल हाइफन लगा रही हूँ तो देखेंगे आप 1 में आ गया। तो ये कंट्रोल फंक्शन F9 करती हूँ मैं, तो ये जो हाइफन होता है ये ट्रू फॉल्स को 0-1 में कन्वर्ट कर देता है, राइट, ट्रू फॉल्स को 0-1 में कन्वर्ट करेगा। तो अभी उसे वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे I3 करके दिखाती हूँ तो 0 आ जाएगा, I3 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, ये हटा दूँ तो फॉल्स में दिखाई देगा यही आंसर, और ये लगा दूँ तो इसको 0 में रिप्रेजेंट कर देगा, राइट। तो ये फॉर्म
मतलब होता है इस नंबर का ट्रू फॉल्स या फिर 0 1, हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। तो मैं अब इसका हम करते हैं, अब डी की जगह मैं डी तो फाइंड कराना नहीं चाहती, मैं तो ये लिस्ट में जो भी डिजिट्स एंटर हूँ उसको फाइंड कराना चाहती हूँ डॉलर आई 3 में। तो मैं ये रेंज ले रही हूँ, ये रेंज और डॉलर आई 3, एंटर करते हैं। तो इसने अभी फॉर्मूले में एरर दे दिया, और इसमें मैं इस नंबर लगा रही हूँ जो हमने नीचे देखा, इस नंबर फाइंड करेगा, ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, और ये तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई के लिए हम सम प्रोडक्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो सम प्रोडक्ट किया राइट, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसको हम अब फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं। और इसको हम पहले फ्रीज कर लेते हैं, कैसे, फोर फंक्शन F4 की से। तो ये फ्रीज हो गया मेरी रेंज, और इसको मैं कॉपी करती हूँ इस पूरे को, एंटर किया, फॉर्मेट लेते हैं, फिल ले लेते हैं, और अपनी पर नया कलर लेते हैं ये, और फॉन्ट लेते हैं वाइट, ओके किया, ओके किया, तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अभी खाली है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी बी, और इसको रिपीट करते हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी बी सब हाईलाइट हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हम दोबारा चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल्स, इसको हम दिस वर्कशीट I4 ना I3 ना लेके इसको हम I1 करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं। तो जहाँ जहाँ A और B लिखा होगा वो मेंशन हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मैं ये डिलीट कर दूं, एक भी ये डिलीट कर देती हूँ, चलिए, तो ये दो सेल मेरी एम्प्टी हैं, ब्लैंक हैं। तो इस ब्लैंक को ख़त्म करने के लिए कि जब यहाँ पे अगर कुछ फिल ना हो तो कुछ काम ना करें, तो उसके लिए मैं एक और चला यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। मैं सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स में अब की बार एडिट रूल ले लेते हैं, और यहाँ पे आप देखिए हम ब्लैंक के लिए कि यहाँ पे अगर कुछ ब्लैंक है तो फॉर्मेटिंग में हमारे फ़र्क ना पड़े। इफ ब्रैकेट ऑन किया मैंने, ये रेंज सेलेक्ट करी मैंने, अगर ये रेंज नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, अगर ब्लैंक हो यहाँ पे, सॉरी नॉट इक्वल मतलब ब्लैंक ना हो, अगर यहाँ पे ब्लैंक ना हो
तो ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करे, राइट? तो ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करें, अदरवाइज काम ना करें, है ना? तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट, इफ कंडीशन का ब्रैकेट बंद करती हूँ, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ अगर ये वाली रेंज, यानी रेंज हमारी लिस्ट में अगर कुछ एंट्री ना हो, कुछ ना लिखा हो, तो ये फॉर्मेटिंग हो जाए, राइट? इसका मतलब ये हुआ। और ये मैं स्टेटमेंट कॉपी कर लेती हूँ, ओके करती हूँ, ओके करती हूँ। तो देखिए अब की बार खाली भी है तो भी हाईलाइट हो रहा है, पहले पूरा फिल करनी पड़ रही थी लिस्ट को, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। सम प्रोडक्ट यहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ इस नंबर और फाइंड का। इफ मतलब रेंज ब्लैंक ना हो तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करे, वरना कुछ ना करे, राइट? तो ये हो गया हमारा, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब सपोज मैं इस लिस्ट में कुछ एंटर कर देती हूँ, ये रिपीट क्लास के स्टूडेंट्स मुझे हाईलाइट कर दें, तो ये हो गया। और ए ग्रेड, सॉरी, और ई ग्रेड ले लेते हैं साथ में, ई ग्रेड के बच्चों को भी हाईलाइट कर दो भाई, उनको भी हाईलाइट करवा लिया मैंने। और क्या, चलिए डी ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी हाईलाइट करवा लेते हैं, डी ग्रेड के स्टूडेंट्स भी हाईलाइट हो गए। और तो आप इस तरीके से अपना हाईलाइट करवा सकते हैं ग्रेड के हिसाब से। सो होप यू लाइक दिस ट्रिक, होप यू फाइंड इट यूजफुल। सो इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़ प्रेजेंट इन अवर लिस्ट। एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो डैट यू कीप ऑन गेटिंग अवर अपडेट्स, न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।